नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, यूबीपी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सपा के युवा नेता आसिफ असलम जी जुड़ गए हैं। आइए आज उनसे कुछ खास मुद्दों पे बातें करेंगे, जो हाल फिलहाल में गठबंधन हुआ है उस पे भी बातें करेंगे, और भी आगे मुख्य और भी बहुत सारे हमारे पास मुद्दे हैं उन पे भी इनसे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। सर स्वागत है आसिफ जी आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू जी। आसिफ जी, आप हम देख रहे हैं आप एक युवा नेता हैं और आप बहुत कम उम्र के हैं और एक युवा हैं। जो आमतौर पर युवा होता है वो राजनीति से दूर भागता है, लेकिन आपने राजनीति का ही अपना जो करियर है वो क्यों चुना, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो हमारा सीधा सवाल है वो ये है आपसे। राजनीति को मैंने इसलिए चुना क्योंकि लोग राजनीति से दूर भागते हैं, और मैं युवा होने के कारण लोगों का दर्द समझ सकता हूं और लोगों की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बेटर तरीका यह है कि राजनीति में आदमी लगे और मेहनत से आगे बढ़े और गरीब लोगों की, जनता की मदद करे। मेरा युवाओं से ये कहना है कि युवा लोग जब तक राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे तो युवा सोच पैदा नहीं होगी, युवा सोच की तरह काम नहीं कर पाएंगे। और मेरी जो लोग मुझे देख रहे हैं और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि युवा लोग राजनीति में आए और देश को अच्छे रास्ते पे ले जाने का काम करें, और युवा ही और देश को, युवा देश को आगे ले जा सकता है। हाँ। और इसलिए मैंने भी राजनीति ज्वाइन की और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। आसिफ जी, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे जो अगला सवाल है, आपके क्या फैमिली बैकग्राउंड से कभी कोई पॉलिटिकल करियर रहा है जो आप राजनीति लाइन में आ गए, अपना करियर आपने चुना? मेरी फैमिली बैकग्राउंड से कोई राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं थे जी। और मुझे लगा कि राजनीति में हिस्सा लेना एक ज़रूरी है और देश को अगर आगे ले जाना है तो जी बिल्कुल। अगर फैमिली की बात करें आसिफ जी, फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिला, कितना जब आपने फैमिली को बताया कि मेरे को राजनीति में आगे जाना है, अपना करियर आगे लेके जाना है, राजनीति में करना चाहता हूँ, तो क्या घर वालों का रिएक्शन था, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरी फैमिली का यही कहना है, मेरी फैमिली ने काफ़ी हद तक मुझे सपोर्ट किया है और अभी भी सपोर्ट किया और अभी भी सपोर्ट करते हैं, और बस वो ये कहते हैं कि बस अच्छे रास्ते पे ले जाना है और देश के हित में अच्छे काम करने हैं, गलत कोई काम नहीं करना है, अच्छे हित में काम करने, लोगों को अच्छी राह पर लेके जाना है। और मेरी फैमिली काफ़ी मेरे से खुश भी है और मैं काफ़ी लोगों में बैठता हूँ और अच्छी राय डिस्कस करता हूँ, तो इसलिए मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अगर हम बात करें, सबसे पहले आपने किसको बताया था कि जब आप राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, और घर वालों में से किसका क्या रिएक्शन रहा जब आपने ये बोला उनको? सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया था हमने, और मम्मी की बात सुनकर बहुत अच्छी मतलब खुश हुई, और उन्होंने हमारे कंधे पर हाथ मारकर हमसे कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं आप, और देश में राजनीति में हिस्सा लेना एक अच्छी चीज़ है, ज़रूरत है, और युवाओं की ज़रूरत भी है आज की डेट में। घर वालों ने, हमारी मम्मी ने ये भी कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश को आगे भी ले जा सकते हैं जी, और इस तरह से मेहनत करते रहिए और हम आपके साथ हैं जी। चलिए आसिफ जी, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा मुद्दा गरमा रहा था, वो था बसपा और सपा का गठबंधन जो हुआ है, उस विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या व्यक्तिगत राय है इस मुद्दे पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था सपा बसपा गठबंधन होना, और इसमें SC समाज के लोग और समाजवादी पार्टी का ये रोल रहा है हमेशा, वो सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, वो भी सभी वर्गों के लोगों को सम्मान देते हैं, और समाजवादी पार्टी एक सम्मान की पार्टी है, और युवाओं के लिए काफ़ी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार रही है, पाँच साल कार्यकाल उनका चला है, तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी रोजगार भी मिला है और युवाओं के लिए अच्छी नौकरियां मिली हैं और विकास भी हुआ है। लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया समाजवादी पार्टी पार्टी ने, 22 महीने में लखनऊ एक्सप्रेसवे तैयार कर दिया है। तो बसपा से ही आपने गठबंधन क्यों करा, अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि सपा ने बसपा के साथ गठबंधन क्यों करा, ऐसी क्या उनमें ऐसी विशेषता दिखी कि कांग्रेस को ना जाते हुए वो बसपा के पास आए? ये जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, इसमें कांग्रेस को दूर रखा गया है, ये हमारी पार्टी हाईकमान का निर्णय है जी। और ये सपा बसपा के अध्यक्ष जो हैं वो इस बात पर निर्णय लेंगे, और हमें तो आदेश का इंतज़ार है, हम उस तरह से समाज में कार्य करेंगे और पार्टी के हित में कार्य करेंगे। सपा बसपा गठबंधन का निर्णय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले चुके हैं, अब हमें उनके आदेश का इंतज़ार है, और जिस तरह से वो आदेश करते हैं उस प्रकार समाज में हम काम करेंगे आसिफ जी, जैसे ही ये गठबंधन का ऐलान हुआ था, उसके बाद राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान जारी करा था, उनका कहना था कि अब वो जो यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें 80 सीटों पे वो खुद अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ने वाली है कांग्रेस पार्टी, इस पर आपका क्या कहना है, क्या लगता है किसकी जीत होगी, किसका सुपड़ा साफ होगा?
देखो अभी तक तो मैं यही कहना चाहूँगा, और ये जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का और बसपा का, ये बेटर गठबंधन है। और हमारे हाईकमान को लगा है कि कांग्रेस से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता यूपी में, तो उन्होंने अच्छा फैसला किया है, हम उस फैसले का समर्थन करते हैं जी। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि वो 80 सीटें अकेले लड़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैं कहना चाहूँगा, राहुल जी का अभी कुछ आदेश हुआ था पेपर में और न्यूज़ में भी आ रहा था कि वो 80 सीटों पे अकेले चुनाव लड़े जी, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी जी। तो हमारी राय यह है वो अकेले चुनाव लड़े जी, और इस बार जनता तय करेगी कि आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा। और मेरी राय यह है सभी लोगों से जो मुझे लोग देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी को बसपा को आगे ले जाने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ आसिफ असलम जी, इनसे भी काफ़ी मुद्दों पे हमसे बातें हुई हैं आज, और इनका साफ तौर पे कहना है 2019 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें गठबंधन की सरकार बनने वाली है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ मैं उज्ज्वल कुमार, UBB न्यूज़ दिल्ली।